दोस्तों, जैसे कि मैंने कल आपसे बताया आपको बताया था कि अब आज से हम डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा की मदद से एनालिसिस करेंगे। साथ में जो मैं इंट्राडे का कॉल देता हूँ वो भी इसी वीडियो में मैं डेली शेयर किया करूँगा। जैसे कि आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, वन डे का चार्ट है। पहले भी इंडेक्स एक चैनल में ट्रेड कर चुका है और अभी फ़िलहाल में भी एक चैनल में ही ट्रेड कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब इसमें मान लीजिए कि आपको ट्रेड लेना है, तो मैंने कल आपको बताया था कि एक नया पैटर्न बना रहा है। वो कौन सा पैटर्न है मैं वो पहले बता देता हूँ आपको। आप जब 15 मिनट के का चार्ट लगाओगे ना कैंडल स्टिक का, तो आपको ये वाला पैटर्न दिखेगा, ये वाला। ये 2 रोज़ से ही बन रहा है, इस वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। हो सकता है कि वापस से कल जाके कंप्लीट कर दे इसको। अब इसमें ट्रेड किस तरीके से लेना है, मान लीजिए कि आपको इंडेक्स में, तो ये जो चैनल की लोअर लाइन है इसको आप जब भी यहाँ पे आइए, यहाँ से बाई कीजिए, अपर लाइन पे सेल कीजिए, प्लस इसको अगर ब्रेक करके नीचे आ जाता है, ब्रेक कैसे करता है, कल वाले मैंने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला आज एक वीडियो डाला है उससे आप देख लेना उसको, तो उसमें क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। पर एक डराने वाली बात यह है कि इंट्राडे में इसमें डोजी बनी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं डेली चार्ट पे एक डोजी बनी हुई है, आप देख पा रहे हैं। तो इसमें अभी वेट करना है, सेलिंग के लिए अच्छा हो सकता है अगर आप सेल करो तो, लेकिन बाइंग आपको तभी करनी है जब ये लोअर लाइन को जब तक टच ना करे तब तक। 10,005 का लेवल इसके लिए काफ़ी स्ट्रोंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये बात आप ध्यान रखना। दूसरा, बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन है, इसमें भी डोजी बनी हुई है। ये अभी एक चैनल पे अगर आप चार्ट लाए, एरिया चार्ट पे अगर आप इसको प्लॉट करके देखोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। अब डेटा की मदद ले लेते हैं। डेटा में जैसा कि आप यहाँ पे ये डेटा लगाया हुआ है मैंने, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कोई इसमें डेटा में कोई खास ऐसा बदलाव नहीं आया है, जैसा शुरू से चल रहा है वैसा है। तो हो सकता है कि ये जो अप मूव जो 4-5 रोज़ से आया है, ये FNO की मदद से आया हो। दूसरी बात ये है कि जो 29 तारीख को ज़रूर एक मूवमेंट हुई थी, लगभग 96 करोड़ शेयर ज़रूर ट्रेड हुए थे। अगर मान लीजिए कि आज का भी डेटा अपडेट नहीं हुआ, अगर आज का जो डेटा है उसमें भी आज का जो डेटा आता है वो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, तो आप मान सकते हैं कि हाँ, ये इसने 10,000 का लेवल ब्रेक कर दिया है और ये एक अप ट्रेंड में ज़रूर आ सकता है। तो अभी ये फाइनली अप ट्रेंड में आ गया, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा 2-4 रोज़, जब तक और ट्रेडिंग नहीं और क्लियर जानकारी नहीं आई, हमारे पास डेटा उपलब्ध नहीं हो। जब तक फ़िलहाल कंडीशन में ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि यह रियल अप मूव है, FNO की मदद का मूव है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता, आराम से जा सकता है FNO की मदद से, और 20 से 25 रोज ऊपर भी रह सकता है। इंट्राडे में कैसे ट्रेड लेना मैंने बता दिया है कि अगर आपको लेना भी है तो जो 15 मिनट का चार्ट है इसमें जो पैटर्न बन रहा है उसके आधार पे लेना। पर जैसे कि यहाँ से अभी सेलिंग अच्छी मतलब सेलिंग के लिए बेस्ट है फ़िलहाल कंडीशन में, अगर इसको सेल करोगे तो यहाँ पे आए आप बाई कर लीजिए, नीचे की लाइन पे जैसे ही टच हो आप बाई कर सकते हो इसमें। और जो हमारे 2 स्टॉक है जो कल आज के लिए जो मैंने दिए थे वो दोनों के दोनों कल के लिए भी रहेंगे, हिंडाल्को और भारत फोर्ज, क्योंकि उनमें अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई है, जो भी हुई है सारी फेक थी। मैंने पहले बताया था कि अगर फेक मूव आई, वॉल्यूम वगैरह नहीं हो, तो आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। जब तक मैं लाइव नहीं हूँ तब तक आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि उसको क्या लाइव बताना पड़ेगा आपको किस तरीके से उसमें कमा सकते हैं। या अगर आपको वो समझ में नहीं आए हो तो एक बार फिर से निवेदन है कि वॉल्यूम वाला वीडियो ज़रूर देखें, बिना उसके आप मैं जो इंट्राडे कॉल देता हूँ उसमें बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। अगर उसको बिना समझा आप ट्रेड लेंगे तो उसमें आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों, एक ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ में बेल आइकन और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करना। धन्यवाद।